लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र की जमकर चर्चा हो रही है। वहीं दोनों पार्टी के नेता अपने अपने घोषणा पत्र का जमकर प्रचार कर रहे हैं और जनता से घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी की गारंटी के बाद अब कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़ी बात कही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड को लेकर कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी का दस्तक किया हुआ गारंटी कार्ड है। यदि ये गारंटी कार्ड पूरा नहीं हुआ तो आप कह देना सर आपका गारंटी कार्ड झूठा रहा, यदि नहीं पूरा हुआ तो मैं उस गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मेरी निजी गारंटी होगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राहुल गांधी जी का दस्तखत का गारंटी कार्ड है, अगर नहीं होगा तो आप कह सकते साहब आपके गारंटी कार्ड झूठा रहा और गारंटी कार्ड को पूरा बनाने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरी निजी गारंटी होगी। इसको पालन कराने के लिए अगर कांग्रेस सरकार बनती है इसको पालन कराने की जवाबदारी दिग्विजय सिंह की होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस सीट पर दिग्विजय सिंह तो वहीं बीजेपी ने सिटिंग सांसद रोडमल सिंह नागर को मैदान में उतारा है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर अपने क्षेत्र में जमकर सभाएँ कर रहे हैं।